So, what's up, YouTube? I'm Gautam and I'm presenting you Wrestling Mania. So, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE की कुछ फ्रेश और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, जहां हम बात करेंगे कि डीन एम्ब्रोस का क्या स्टेटस है नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ को लेकर, साथ ही डीन एम्ब्रोस ने रेसल किया एज ए बेबी फेस की तरह WWE के लाइव इवेंट में, साथ ही WWE के क्या ओरिजिनल फैंस थे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच को लेकर रसल मीना में, साथ ही रोमनिंग्स क्यों नहीं देखने को मिले हमें हॉब्स एंड शो मूवी के ट्रेलर में। तो बिना कोई देरी के वे वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर डीन एम्ब्रोस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि गाइस अब हमें कंफर्म है कि डीन एम्ब्रोस अप्रैल के अंदर WWE को छोड़ देंगे रसल मीना के बाद में, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। तो यहाँ पर पीडब्ल्यू इनसाइडर के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह की अपडेट्स आ रही है कि डीन एम्ब्रोस नेक्स्ट वीक की जो मंडे नाइट रॉ पोर्टलैंड में देखने को मिलेगी, वहां पर हमें देखने को मिलेंगे। यानी कि अपडेट्स कुछ इस तरह की डीन एम्ब्रोस WWE के साथ में ट्रैवल तो करेंगे पोर्टलैंड के लिए नेक्स्ट वीक मंडे नाइट रॉ में। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर WWE इनको किस तरह से यूज करती है टीवी टेपिंग्स पर, क्योंकि जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया था कि डीन एम्ब्रोस की जो बुकिंग है वो आने वाले टाइम में काफी बुरी तरह से अफेक्ट होने वाली है। क्योंकि अब जब डीन एम्ब्रोस ने यही चीज कन्फर्म कर दी कि वो WWE के साथ में डील ही नहीं करना चाहते फ्यूचर में, तो ऐसे में विंस मैकमैन इतना ज्यादा फोकस नहीं करने वाले डीन एम्ब्रोस के ऊपर आने वाले फ्यूचर में। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर हमें डीन एम्ब्रोस किस तरह से यूज करते हुए नजर आते हैं मंडे नाइट रॉ पर। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो भी यहाँ पर डीन एम्ब्रोस से जुड़ी हुई है। तो हाल फिलहाल में WWE का लाइव इवेंट हुआ था आज सुबह, जहां पर हमें मेन इवेंट में एक फेटल फोर वे मैच देखने को मिला डीन एम्ब्रोस वर्सेस बॉबी लैशली वर्सेस फिन बैलर वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच में, और ये मैच था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और इस मैच की एंडिंग यहाँ पर कुछ इस तरह से हुई, जहां पर बॉबी लैशली ने पिन कर दिया डीन एम्ब्रोस को और अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप रिटेन कर ली। लेकिन अपडेट्स कुछ इस तरह की आ रही है कि इस मैच में पूरे टाइम पर डीन एम्ब्रोस ने एज ए बेबी फेस की तरह रेसल किया था। साथ साथ यहाँ पर कुछ इस तरह की भी अपडेट्स है कि मैच के बीच में यहाँ पर डीन एम्ब्रोस ने फिन बैलर की भी साइड ली थी स्टार्टिंग में मैच में, जहां पर फिन बैलर ने ड्रू मैकइंटायर के ऊपर अटैक किया था, साथ साथ वहां पर डीन एम्ब्रोस ने बॉबी लैशली के ऊपर अटैक किया था। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहा कि आखिर फाइनली डीन एम्ब्रोस का हमें वापस से एक मैच देखने को मिला बेबी फेस की तरह। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रीन्स को लेकर। तो जैसा कि गाइस हमने देखा कि हॉब्स एंड शो मूवी का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो यहाँ पर रिलीज हो चुका है यूट्यूब पे, लेकिन यहाँ पर हमें रोमन रीन्स कहीं पर भी फीचर होते हुए नजर नहीं आए। तो इन सबका जो रीजन निकल कर आता है वो यहाँ पर ये निकल कर आता है कि रोमन रीन्स का जो रोल है इस मूवी के अंदर वो ज्यादा टाइम तक का नहीं है। यानी कि रोमन रीन्स का जो रोल है इस मूवी के अंदर वो सिर्फ 10 से 15 मिनट का है। इन सबके चलते यहाँ पर रोमन रीन्स हमें फर्स्ट ट्रेलर में तो देखने को नहीं मिले। साथ साथ जो लीडिंग रोल है इस मूवी के अंदर वो यहाँ पर ड्वेन जॉनसन और जैसन स्टैथम का है। यानी कि ड्वेन जॉनसन यहाँ पर हॉब्स का रोल प्ले करेंगे, साथ साथ जैसन स्टैथम यहाँ पर शाह का रोल प्ले करेंगे। तो इन सब के चलते यहाँ पर जो फर्स्ट ट्रेलर हमें देखने को मिला था वहां पर रोमन रीन्स को कहीं पर भी फीचर नहीं किया गया। लेकिन हम होप करते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई और ट्रेलर रिलीज होता है हॉब्स एंड शो मूवी का तो वहां पर रोमन रीन्स को भी फीचर किया जाए। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट मेजर और फाइनल अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी कि WWE के क्या ओरिजिनल फैंस थे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच को लेकर। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर एक्टिव यूजर हो और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो मैंने आपको काफी लंबे टाइम पहले एक वीडियो में बताया था कि WWE के यहाँ पर जो विंस मैकमैन और ट्रिपल एच दोनों के काफी अलग प्लान्स है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच को लेकर। जहां पर विंस मैकमैन चाहते हैं कि वो ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच कराए यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में, साथ ट्रिपल एच चाहते हैं कि वो ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच कराए यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो हाल फिलहाल में अपडेट्स कुछ इस तरह की आ रही है कि यहाँ पर ट्रिपल एच ने काफी बुरी तरह से फोर्स किया विंस मैकमैन को कि वो यहाँ पर ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में मैच कराए यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया 35 में। यही एक सबसे बड़ा रीजन था कि सेथ रॉलिंस को इतनी बड़ी पुश मिली एकदम अचानक से, जहां पर सेथ रॉलिंस को एकदम से मेन इवेंट के सीन में भी डाल दिया गया। और इसके ऊपर मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया भी था, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है कि हमें डीन एम्ब्रोस कब तक रेसल करते हुए नजर आएंगे WWE के रॉ पर। साथ साथ आपका क्या कहना है रोमन रीन्स के नहीं देखने को हॉब्स एंड शो के ट्रेलर में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो तो लाइक कर ही देना और आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको WWE के रेगुलर अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स, प्रेडिक्शंस और इंटरेस्टिंग ओपिनियन जानने को मिलते रहे। सो गाइस बी सेफ, टेक केयर, टिल नेक्स्ट वीडियो।